सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और पास वाला घंटा को बजाएं ताकि आपको नया अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मॉडर्न ज़माने में आपका फ़ोन में आप आइडिया भी नहीं लगा सकते कि आपका फ़ोन में कोई स्पाई एप्लीकेशन है या नहीं। स्पाई एप्लीकेशन की मदद से जो आपका फ़ोन में स्पाई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है वो आदमी आपका फ़ोन का पूरा डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकता है। जैसे आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट, आपका कॉल लॉग्स, आपका टेक्स्ट। जो मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे वो एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं आपका फ़ोन में। ऐसे ये एप्लीकेशन को आप नहीं देख सकते, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे डिटेक्ट करना है और उसके अलावा भी वो स्पाई एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है आपका फ़ोन में या आपका फ़ोन का क्या क्या डाटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं, मैं पूरा आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो मेरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो को शेयर कीजिए। तो मैंने देखा है मेरा फ़ोन में जो स्पाई एप्लीकेशन जो है मैंने इंस्टॉल किया है, तो अब मैं मेरे लैपटॉप के थ्रू मेरा फ़ोन का जो डाटा है वो कलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है ये क्या क्या डाटा जो है आपका फ़ोन से कलेक्ट कर सकता है। ये स्पाई एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन का साइट में ओपन किया और इधर कॉर्नर पर देख सकते हैं मेरा नाम आ रहा है दीपन करके, और उसका जो इधर पे फीचर्स है GPS लोकेशन, SMS रिकॉर्ड्स, कॉन्टैक्ट बुक्स वगैरह, और इधर पे देखिए कॉल लॉग्स, SMS, मेरा फ़ोन का पूरा डिटेल्स जो है इस साइट में अपलोड हो गया और मैं जो है मेरा लैपटॉप से मेरा फ़ोन को मैं पूरा जो है ट्रैक कर सकता है। एप्लीकेशन का डिटेल्स, SMS का डिटेल्स, मेरा GPS लोकेशन, मेरा फोटोज, इमेजेस, सब कुछ जो है इधर पे आ गया है। उसके अलावा भी इधर देखिए टॉप 10 मोस्ट कॉलिंग नंबर्स जो है ये सब भी आ गया है, मैं किस किस को ज़्यादा टाइम कॉल किया उसके बारे में। तो इसके अलावा भी आप इस साइट पे देख सकते हैं सोशल मीडिया का जो है इधर पे ऑप्शंस है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप का जो है आप मॉनिटरिंग वगैरह सब कुछ जो इधर पे आ गया है। तो ये आप समझ सकते हैं ये एप्लीकेशन जो है आपका फ़ोन में कितना हार्मफुल हो सकता है। तो अभी मैं बताऊंगा उस एप्लीकेशन को कैसे डिलीट करना है और कैसे आपका फ़ोन से डिलीट करना है। अगर आपका फ़ोन में है तो आपका जो पूरा डिटेल्स जो है पूरा लीक होगा, जो आप देख सकते हैं वो पूरा प्रैक्टिकल है। मेरा जो ये वीडियो है कोई फेक कुछ ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं मेरा लैपटॉप स्क्रीन पे। अभी मैं लेकर चलता हूँ मेरा फ़ोन स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो एप्लीकेशन को डिटेक्ट करना है। तो दोस्तों, अगर मैं मोबाइल स्क्रीन पे, तो ये एप्लीकेशन सब थर्ड पार्टी स्पाई, एंटी स्पाई एप्लीकेशन से डिटेक्ट नहीं होता है। तो ये जो दो एप्लीकेशन आप देख सकते हैं इनकॉग्निटो और शेल शॉक स्कैनर से मैं चेक करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करके देखता हूँ, अभी तक कोई जो है डिटेक्ट नहीं कर पाया ये एप्लीकेशन को। ये जो है ये अभी भी ये जो स्पाई ऐप एप्लीकेशन इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। मैं दूसरा एप्लीकेशन यूज़ करके देखा देता हूँ आपको, इनकॉग्निटो, जिसका रेटिंग्स बहुत ही बढ़िया है प्ले स्टोर पर। और ये तो चलिए एप्लीकेशन ओपन हो गया और ये स्टार्ट स्कैन पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं स्कैन कंप्लीट है और कोई एप्लीकेशन जो है ये डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो ये एंटी स्पाई एप्लीकेशन भी बेकार हो गया। तो आपको दिखा देता हूँ एक जेन्युइन प्रोसेस जिसकी मदद से आप जो एप्लीकेशन को है निकाल पाएंगे, आपको थोड़ा आसानी भी हो जाएगा। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको फ़ोन का सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है ऐप मैनेजर। आपका फ़ोन में एप्लीकेशन मैनेजर हो, ऐप मैनेजर हो, जो भी है आपको मालूम है वो एप्लीकेशन का लिस्ट आता है मैनेजर पे। ऐप मैनेजर पे मैंने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था वो मैं सर्च कर लेता हूँ। इधर पे देखिए, इधर कहाँ है, इधर देखिए सेव सर्विस। ये तो आपका फ़ोन का होम स्क्रीन पे हाइड हो जाएगा, लेकिन आपका एप्लीकेशन मैनेजर जो है उधर से हाइड नहीं हो सकता। तो इधर देखिए स्टोरेज लिखा रहा है, देखिए सेव सर्विस। ये आप मैं आपको दिखा देता हूँ उसका जो परमिशन जो है ग्रांटेड है आपका फ़ोन का, कैसे आपका सब डाटा जो है चुराता है। इधर देखिए स्टोरेज से लेकर सब कुछ जो है परमिशन जो है ये ग्रांट करता है, उसके बाद ही जो है ये एप्लीकेशन काम करता है आपका फ़ोन में। तो ये जो ग्रांट किया है इसके कारण आपका कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन सब जो है वो डिटेक्ट कर रहा है। कि नीचे लिखा रहा है डीएक्टिवेट एंड अनइंस्टॉल, ये जो है आपका फ़ोन में एक्टिवेट नहीं है। आपका फ़ोन में डिवाइस एडमिन होकर आपका पूरा डाटा जो है चुराता है। तो मैं इसको डीएक्टिवेट अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ये जो है डीएक्टिवेट हो गया है और मेरा फ़ोन जो है कम्प्लीटली सेफ है। तो आपने देखा कैसे मैं एक जेन्युइन तरीके से मैं ये एप्लीकेशन जो है डिटेक्ट कर पाया, और वो एप्लीकेशन कितना घातक है वो आपने प्रैक्टिकली देखा है, मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे देखा है मैं पूरा डिटेल्स। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि दूसरे लोग भी ये जो है परेशानी से ना गुजरे और अपना फ़ोन जो है स्पाई फ्री रहे। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।